डोमसू कई सालों बाद अपने घर अपनी एडॉप्टेड मॉम के पास जा रहा था। पिछले 10 सालों से वो जेल में था। अब डोमसू पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया, चेक की शर्ट पहनने लगा और साथ ही साथ वो अपने पास एक डायरी भी रखता है जिसमें उसने लिख रखा है कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, न कभी फाइट करेगा और न ही कभी रोएगा। फिर उसने पेट पूजा करी और उसके तुरंत बाद डायरी में से पेट पूजा वाला काम काट दिया, मतलब ये काम उसने फिनिश कर लिया। इसके बाद वो अपनी एडॉप्टेड मॉम के रेस्टोरेंट पहुंच गया जहाँ उसे उसकी स्टेप सिस्टर किम मिली। किम को वो कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे किम ने यहाँ से जाने के लिए कहा लेकिन डोंगसू के पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं थी। खैर उसकी मोम घर पे भी नहीं थी इसलिए वो नहाने के लिए पब्लिक बाथ हाउस में चला गया। वहाँ सेंसर वाली की थी जिसे वो बार बार लगाकर देखने लगा जिस वजह से वहीं बैठे एक बंदे को इरिटेशन होने लगी। उसने डोंगसू को चमका दिया लेकिन अगले ही पल जब उसने डोंगसू को बिना शर्ट के देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डोंगसू की हरकतें उसके टैटू से मैच नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ रोड के बीचों बीच एक आदमी घरेलू हिंसा कर रहा था। वैसे वो रोड पे हिंसा कर रहा था इसलिए इसे घरेलू हिंसा नहीं कहा जा सकता। और इस शहर के नल्ले पुलिस वाले दूर से ये सब तमाशा देख रहे थे क्योंकि वो आदमी छंगे का बंदा था। छंगा यहाँ के 2 बड़े गैंगस्टर्स में से एक था और उस पे पॉलिटिशियन कजामा का हाथ था। इसलिए पुलिस वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कार से निकलकर कुछ एक्शन ले ले। इधर गैंगस्टर छंगा अपने बंदों के सामने बदमाश बन के दिखा रहा था तभी उसका बाप डोंगसू यहाँ पर आ गया। डोंगसू ने क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया था और उसे देखकर तो कोई बच्चा भी नहीं डरेगा। फिर भी उसे देखकर छंगे के पैर डांडिया खेलने लगे थे। डोंगसू तो बस अपने पुराने दोस्त को हेलो बोलना आया था। इसके बाद वो इलाके के दूसरे गैंगस्टर पोपले के पास गया। वो भी उसका पुराना दोस्त था। एक टाइम था जब पोपला और छंगा इसके सामने दुम हिलाते थे लेकिन वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है। आज पोपला डोंगसू से पूछ रहा है कि तुम्हें कुछ मदद चाहिए हो तो बता देना। खैर डोंगसू इसे बाय बोलकर यहाँ से चला गया। पोपले ने डोंगसू के पीछे अपने आदमी लगा दिए। वो जानना चाहता था कि कभी शहर पे राज करने वाला डोंगसू अचानक इतना शरीफ आदमी कैसे बन गया। शाम को डोंगसू घर आ गया। उसे देखते ही उसकी माँ खुशी से झूम उठी। भले ही डोंगसू उनका सगा बेटा नहीं था फिर भी वो उससे सगे बेटे से ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने डोंगसू को अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद किम ने उसे यहाँ रहने के नियम समझाए। मैं बर्तन साफ करूंगी तो तुम झाड़ू लगाओगे और मैं पढ़ाई करूंगी तो तुम पोछा मारोगे और हमारे कुत्ते को खाना खिलाओगे। डोंगसू को ये डील कुछ जमी नहीं लेकिन वो भोंदू की तरह उसकी सारी शर्तें मान गया। रात को सोते वक्त उसने खुद से वादा किया कि वो कभी शराब नहीं पिएगा, कभी लड़ाई नहीं करेगा और ना ही कभी रोएगा। दूसरी तरफ पॉलिटिशियन कजामा को दिखाते हैं जो जनता के सामने जुमलेबाजी कर रहा था। भोली जनता उस पर बहुत विश्वास करती थी लेकिन हकीकत तो ये थी कि कजामा जनता के बीच से निकलने के बाद टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करता था। मतलब वो गरीब लोगों से इतनी नफरत करता है लेकिन वोट लेने के लिए उनकी नजरों में अच्छा बना हुआ है। इसी बीच डोंगसू पुलिस स्टेशन जाता है। उसे यहाँ पर आकर साइन करने के लिए बोला गया था तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ गया। उसने बताया कि वो डोंगसू के साथ स्कूल में था। डोंगसू ने स्कूल टाइम में उसे बहुत बुली किया था लेकिन डोंगसू को ये बात याद भी नहीं थी। इसके बाद डोंगसू डॉक्टर के पास जाता है। उसे अपने टैटू निकलवाने थे। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि वो इन्हें ना ही निकलवाए तो ही अच्छा होगा क्योंकि इन्हें निकलवाने का खर्चा बहुत ज्यादा था और ये टैटू अपने निशान भी छोड़ देंगे। इसके बाद डोंगसू की माँ पॉलिटिशियन कजामा के पास जाती है। कजामा उसका सनफ्लावर रेस्टोरेंट खरीदने के चक्कर में था। आसपास के लोगों ने पहले उसे जमीनें बेच दी थी। अब बस मोमी का रेस्टोरेंट बचा था जो कजामा की प्रॉपर्टी के बिल्कुल बीच में था। अगर मोमी ने वो रेस्टोरेंट बेच दिया तो पॉलिटिशियन वहाँ मॉल बना देगा और मोमी ने इंश्योर कर दिया कि वो अपना रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचेगी। रात में डोंगसू सुट्टा फूक रहा था तभी किम वहाँ पर आ गई। डोंगसू ने सिगरेट छुपा ली लेकिन किम के कहने पर उसने जो काम बीच में छोड़ दिया था वो काम पूरा किया। हालांकि किम ने उससे कहा कि मुझे सिगरेट की स्मेल पसंद नहीं है। उसी टाइम डोंगसू ने लड़ाई और शराब की तरह सिगरेट भी छोड़ दी। वो अब गैराज में काम करने लगा था। उसका पुलिस वाला दोस्त ये देखकर हैरान था। उसने अपने साथी को बताया कि ये वही डोंगसू है जिससे कभी पोपला और छंगा डरा करते थे। आज से 10 साल पहले वे दोनों इसके चमचे थे। पुलिस वाला डोंगसू के किस्से बताते बताते पास्ट में पहुंच गया। उसने बताया कि डोंगसू जब शराब पी लेता था तो वो एक बीस्ट बन जाता था। एक बार उस पर 6 लोगों ने हमला कर दिया लेकिन डोंगसू ने अकेले ही उन 6 के 6 बंदों को मार गिराया। छंगे और पोपले की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। डोंगसू के जेल जाने के बाद सबको लगा कि छंगा और पोपला इस शहर पर राज करेंगे लेकिन बाईजुंग नाम के बंदे ने पॉलिटिशियन कजामा के साथ मिलकर पूरे शहर को अपने अंडर कर लिया और एट द एंड छंगा और पोपला दोनों पॉलिटिशियन कजामा के पालतू कुत्ते बन गए। इसके बाद किम को दिखाते हैं जिसे क्लास में नींद आ रही थी। इसका बिचारी का भी हमारे तरह मैथ में हाथ तंग है।
इसने अपनी मैडम से पूछा कि क्या ये मैथ पढ़ना जरूरी है जिंदगी के लिए। इसकी मैम भी लाइक, अगर सीजीएल क्लियर करना है तो बेटा जरूरी है। डोंगसू इसे लेने आया था तभी मैडम ने डोंगसू को आवाज लगाई। असल में जेल जाने से पहले डोंगसू और मैडम रिलेशन में थे। डोंगसू ये देखकर काफी खुश था कि वो टीचर बन गई है। वो उससे जेल में मिलने आई थी लेकिन डोंगसू ने उससे मिलने से मना कर दिया था। वो चाहता था कि रोजी उसे भूल जाए ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। इसके बाद किम को दिखाते हैं जो दुकान पर मल्टीमीडिया प्लेयर को बड़ी चाहत भरी नजरों से देख रही थी। वो इस प्लेयर को खरीद कर अपनी ढेर सारी फोटोज लेना चाहती थी। इसके बाद ये दोनों मोमोज खा रहे थे तभी किम का आशिक वहां पर आ गया। किम को किसी लड़के के साथ देखकर उसके अंदर का मिथुन चक्र नोटवर्दी जाग गया। उसने डोंगसू को बहुत मारा। डोंगसू अपना बचाव करता रहा लेकिन उसने हाथ नहीं उठाया। ये मिथुन समोसे वाले को लग रहा था कि ऐसी हरकतें करने से उससे किम पड़ जाएगी। पहले तो उसने डोंगसू को खुद मारा, फिर जब उसकी सांस फूलने लगी तो उसने उसे अपने बंदों से पिटवाया। मार खाते खाते डोंगसू की शर्ट फट गई जिसके बाद इन सबको सांप सूंघ गया। डोंगसू ने अपने टैटू छिपाए और चुपचाप किम को लेकर यहाँ से चला गया। इधर पॉलिटिशियन ने छंगे को सनफ्लावर रेस्टोरेंट बंद करवाने का काम दे दिया। वो तुरंत अपने आदमियों को लेकर सनफ्लावर रेस्टोरेंट पहुंचा। डोंगसू यहाँ शांति से खाना खा रहा था तभी ये गुंडे यहाँ आकर तोड़फोड़ मचाने लगे। जैसे ही छंगे ने अंदर आकर डोंगसू को देखा उसने कपकपाती आवाज में अपने बंदों को रुकने के लिए बोला। डोंगसू ने गुस्से में छंगे की गर्दन पकड़ ली और कहा कि ये मेरी माँ का रेस्टोरेंट है, यहाँ दोबारा भटक मत जाइयो। फिर बदमाश यहाँ से चले गए। शाम को डोंगसू किम को मैथ्स पढ़ाने लगा क्योंकि वो मैथ में एक्सपर्ट था। किम उसे इतने दिन से डंबलडोर समझती रही पर उसे क्या पता वो तो वोल्डेमॉर्ट है। अगले दिन डोंगसू अपनी पहली कमाई से अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाता है। मॉम ने कहा कि इसकी क्या जरूरत थी लेकिन डोंगसू ये तोहफा बड़े दिल से लाया था। माँ ने डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बहुत प्यारी सैंडल थी। माँ ये देखकर इमोशनल हो गई। उसी वक्त किम डोंगसू को इशारे इशारे में माँ को गले लगने के लिए कहती है। बड़ी हिम्मत करके डोंगसू अपनी माँ से गले लगा। वो अपनी बहन के लिए भी तोहफा लाया था, वो भी वही मल्टीमीडिया प्लेयर जिसे वो दुकान पर देख रही थी। किम को लगा कि उसे वो प्लेयर नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो प्लेयर काफी महंगा था। जब किम ने नखरे दिखाए तो डोंगसू वो गिफ्ट लेकर नीचे चला गया। हालांकि थोड़ी देर बाद किम डोंगसू के लिए चाय लेकर आई। उसने एक हाथ से चाय दी और दूसरे हाथ से मल्टीमीडिया प्लेयर ले लिया। अगले दिन किम के हाथ डोंगसू की डायरी लग जाती है जिसमें फैमिली के साथ पिकनिक जाना भी लिखा हुआ था। किम ने कहा पहले यही कर लेते हैं। उन्होंने पिकनिक को अच्छे से एंजॉय किया और साथ में एक अच्छी सी फोटो भी क्लिक की। इसके बाद पॉलिटिशियन कजामा का राइट हैंड बायजुंग जो कि डोंगसू का अच्छा दोस्त था उसने उसे सारी कहानी बताई कि पॉलिटिशियन उसकी माँ की दुकान लेना चाहता है ताकि वो वहाँ पर एक मॉल बना सके। अगले दिन छंगे ने आकर रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ मचाई और उसने माँ को भी धक्का दिया और नल्ली पुलिस दूर से ये सब होते हुए देख रही थी। जब डोंगसू को ये बात पता चली तो वो सीधा पॉलिटिशियन कजामा के पास गया और उसे बताया कि मैंने फाइट करना छोड़ दिया है, मुझे मजबूर मत करो दोबारा वही जिंदगी जीने के लिए जो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। पॉलिटिशियन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो डोंगसू को लालच देने लगा कि अगर वहाँ मॉल बन जाएगा तो उसमें तुम्हें भी नौकरी मिल जाएगी। डोंगसू ने कहा अपनी नौकरी अपने पास ही धर ले। इसके बाद कुछ गुंडे टाइप लोग गैराज में आए और डोंगसू से उनकी कार में विंग्स लगवाने को कहने लगे। डोंगसू ने ऐसी बेवकूफी भरी बात सुनकर भी मुस्कुराकर जवाब दिया लेकिन ये लोंडे यहाँ पर डोंगसू को पीटने आए थे और उन्होंने उसे खूब पीटा। उसे तो पीटा ही साथ ही साथ बुड्ढे को भी पेल दिया। डोंगसू चचा को बचाने के लिए उनके ऊपर लेट जाता है। इन्हें पीट पाट के वे लोग यहाँ से चले गए। उसी रात वो बंदा जिसने किम के पीछे डोंगसू की पिटाई करी थी वो इनके रेस्टोरेंट में आ गया। वो जान गया था कि डोंगसू कौन है। उसने बुढ़िया से कहा कि तुम इसे अपना परिवार कहती हो, आखिर तुम अपने बेटे के हत्यारे को गोद कैसे ले सकती हो। ये सुनते ही माँ को झटका लगा और ऑडियंस को भी, और किम ने भी ये बात सुन ली थी। दरअसल 10 साल पहले डोंगसू ने मोमी के बेटे चोय को मार दिया था, उसी जुर्म में उसे 10 साल की सजा हुई थी। रात में किम ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर तुमने मेरे भाई के हत्यारे को अपना बेटा क्यों बना लिया, तो मोमी ने बताया कि लाइफ में ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती। उसने बताया कि जब वो चोय की मौत के बाद डोंगसू से मिली तो डोंगसू इतना रोया कि मैं उसके रोने की आवाज कभी भूल नहीं पाई, मैं उससे जेल में मिलने भी जाती थी। जो भी डोंगसू ने किया वो एक एक्सीडेंट था और मुझे लगा कि वो मेरे साथ रहेगा तो मुझे उसके रूप में मेरा बेटा वापस मिल जाएगा। रात में किम छत पर गई। डोंगसू यहाँ से जाने के लिए तैयार था लेकिन किम ने उसे मना कर दिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम का असली भाई चोई बहुत खराब इंसान था। वो पैसों के लिए अपनी माँ को ही मारता था।
और वो क्राइम और नशे की दुनिया में पूरी तरह से डूब गया था। डोंगसू तो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था जिसमें चोई की मौत हो गई, इसलिए किम चाहती थी कि वो उसका भाई बन के उन्हीं के साथ रहे। अगले दिन किम के आशिक ने किम को बीच सड़क पे ईंट से मारकर कोमा में पहुंचा दिया। ये काम पॉलिटिशियन कजामा के इशारे पर ही हुआ था। अब बात परिवार पर आ गई थी, इसलिए डोंगसू और उसकी मॉम ने सनफ्लावर रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर लिया। अब डोंगसू पॉलिटिशियन कजामा से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि हम दुकान छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पॉलिटिशियन उसके परिवार को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने डोंगसू से कहा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अकेला छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे अपना हाथ दे दोगे। अहिंसा का पुजारी डोंगसू उसकी ये शर्त मान गया। डोंगसू का दोस्त बाइजुंग उसका हाथ काटने वाला था। उसने उसका पूरा हाथ नहीं काटा बल्कि वेना से काट दी, जिससे वो सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल धोने के लिए कर सकता था। लेकिन बाद में बाइजुंग ने उसे बताया कि तुम्हारा हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने डोंगसू की कोई नस नहीं काटी थी बल्कि ऊपर ऊपर से ही कट किया था। इसके बाद डोंगसू अपनी बहन के पास बैठा होता है। वो उससे कहता है कि मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें और मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। इसी बीच घर पर मॉमी अकेली थी। वो इस गम में थी कि उसे वो दुकान बेचनी पड़ेगी जिसने गरीबी के दिनों में उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने बच्चों को पाल सके। वो अपने बेटे चोई की फोटो देखकर उससे बातें कर रही थी, तभी पीछे से पोपला आ गया और उसने डोंगसू की माँ को जान से मार दिया और फिर जमीन के कागजों पर उसका अंगूठा भी लगवा लिया। माँ की सैंडिले ऐसी रखी रह गई। उन्होंने सोचा था कि वो डोंगसू की दी हुई ये सैंडिले किसी खास दिन पर पहनेगी, लेकिन वो खास दिन कभी नहीं आया। घर आकर जब डोंगसू ने अपनी माँ को लटका हुआ देखा, अपनी माँ के जाने के गम में वो पूरी तरीके से टूट चुका था। उनकी दुकान भी ढह गई थी। तभी डोंगसू को माँ की सैंडल के साइड में कान की बाली दिखी। ये वही बाली थी जो पोपला पहनता था। अब डोंगसू ने बहुत शराब पी और वो रोया भी बहुत। इसके बाद वो ओरेकल क्लब पहुंच जाता है जहाँ इस वक्त सभी गैंगस्टर्स इकट्ठे हो रखे थे। पॉलिटिशियन भी यहीं पर था। मैं पिछले 10 सालों से पछतावे की आग में जल रहा हूँ। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं फिर कभी फाइट नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। इसी बीच पोपले ने कहा कि तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ। डोंगसू ने उसकी बाली उसकी तरफ फेंकते हुए कहा कि मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा दुख कम ना हो जाए। तुम में से किम पर हमला करने वाला कौन था? मिथुन चक्रवर्ती बोला कि मैंने किया था, क्या कर लेगा तू मेरा? तभी डोंगसू ने बाइजुंग को बाहर जाने के लिए कहा अगर वो मरना नहीं चाहता है तो। और बाइजुंग तुरंत बाहर जाने लगा और जाते जाते उसने डोंगसू से उसकी जान बख्शने के लिए थैंक यू भी बोला। डोंगसू ने मिथुन समोसे वाले का हाथ सेकंडों में तोड़ दिया और उसने वहां पर पेट्रोल छिड़क रखा था जिसमें आग लगने के बाद बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो गया। डोंगसू ने अब एक एक करके सबको पेलना शुरू कर दिया। वो अकेला ही इन सब पे भारी पड़ रहा था। उसका अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। उसने पहले तो छंगे को अपनी गिरफ्त में लिया। उसने छंगे को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो मर नहीं गया। इसके बाद वो सीढ़ियों से ऊपर बढ़ने लगा। पोपले ने उसमें चाकू मार दिया था, लेकिन बावजूद उसके वो पोपले के पीछे पड़ गया। उसने पोपले की गर्दन भींच भींच के उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अब सबकी फटने लगी। वे बंदे खुद ही उसके रास्ते से हटने लगे। अब वो पॉलिटिशियन कजामा के सामने आ गया और उसने उसे तब तक मारा जब तक वो 2-3 बार नहीं मर गया। आखिरकार इन लोगों ने इसे वही बना दिया जो ना बनने की इसने कसम खाई थी। इसने यहाँ बैठकर अपने अच्छे पल याद किए। आखिर में किम को दिखाते हैं जो मैथ्स में टॉपर बन गई थी। उसने उसी टॉपिक में थीसियस लिख दी थी जो उसे डोंगसू ने पढ़ाया था। आखिर में उसने अपनी डायरी में थीसियस वाला टास्क कंप्लीट कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप भी लाइक और सब्सक्राइब वाला टास्क कंप्लीट कर दो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी मूवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।